So this is regarding to the taxes on short term and long term capital gains. So I'm just quickly revising all the points. Whenever you have to calculate the tax on your gross total income after providing for all the deductions under section 80C to 80U, so there are different heads, right? Five heads hote hain hamare. So on char ke alawa jo aapke short term or long term capital gains hote hain, they have a specific rate of tax, okay? They don't have to be clubbed. They are not clubbed into the gross total income. In fact, जो आपके चार head हैं, उनको gross total income में डाल के उनका अलग tax होता है और आपका इनका अलग tax होता है. क्योंकि इनमें से deductions भी allowed नहीं होती हैं. 80C to 80U की deductions भी allowed नहीं होती हैं. इसलिए उनको अलग रखा जाता है separately और आपके in capital gains को अलग तरीके से टैक्स किया जाता है. तो जब भी आपके पास एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन द नेट इनकम ऑफ द असेसी, इन दैट केस यू हैव टू बाइफर्केट योर हेड्स, ओके? सो उन चारों का अलग टैक्स होगा, इसका अलग टैक्स होगा. और इसमें भी जो टैक्स है आपका इनकम टैक्स, दे हैव दिस कैलकुलेशन ऑन कैपिटल गेन्स बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म का अलग है, लॉन्ग टर्म का अलग है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन्स कि दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड व्हाट इज द कैपिटल असेट विच इज इन्वॉल्व्ड. क्योंकि कैपिटल असेट जो है आपका, उसके अकॉर्डिंगली भी देर इज डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट. सो इन शॉर्ट देर आर फोर टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर योर कैपिटल गेन्स. सो फर्स्ट वन इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज अंडर सेक्शन 112. So this is except on sale of listed equity shares, units of equity oriented funds or units of a business trust. Iske alawa, aur dekh lena word yahan pe listed hai, okay? So listed equity shares, in short if I say, uske alawa jo bhi aapka asset hai, it could be your bonds, it could be your debentures, it could be your preference shares, it could be your land, it could be your building, it could be anything, theek hai? Uska जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी है वो ये फॉलो होगी, ठीक है? और इसमें भी दे हैव फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज लिस्टेड सिक्योरिटीज बट एक्सेप्ट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. इस वाले पार्ट में इक्विटी शेयर्स तो है ही नहीं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में आपके लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, लिस्टेड डिबेंचर्स आ गए, और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इन विच द क्वेश्चन स्पेसिफिकली हैव मेंशन्ड दैट दिस इज अ लिस्टेड सिक्योरिटी. उस केस में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट 20% विद इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन वी नो हाउ टू डू इट. दिस इज फॉर गिविंग दी, फॉर कैलकुलेटिंग दी इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज बेसिकली टू सेट ऑफ दैट इन्फ्लेशन, ठीक है? सो या तो 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन. विदाउट इंडेक्सेशन मीन्स whatever the actual cost of acquisition of that asset, that will be taken in entire form, will not make any adjustments. So ek bari 20% with indexation dekh ke karna hai, ek bari 10% without indexation, aur in dono ka jo bhi lower amount hai wo aapka long term capital gain banega, theek hai? Aur as usual usme fir aap surcharge and health and education cess ko add kar do, theek hai? So this is about listed securities apart from your listed equity shares. Dusra aata hai aapka unlisted securities or any other asset. Any other asset mein aapke sare assets aa gaye jo securities nahi hai aapke, jaise your land, your building, your this golds or any kind of capital asset that we have discussed so far, theek hai? So unlisted securities ya fir koi bhi other asset including your unlisted equity shares. क्योंकि दिस इज ओनली रिगार्डिंग टू द एक्सेप्शन टू लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी शेयर्स आर अनलिस्टेड, तो वो आपकी ये कैटेगरी बनेगी. और इस कैटेगरी में यू हैव अ फ्लैट 20% टैक्स रेट, ओके? सो एवरी टाइम फर्स्ट यू हैव टू चेक, ओके, इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. देन यू हैव टू चेक फॉर द कैपिटल एसेट फॉर विच यू हैव कैलकुलेटेड इट. इफ इट इक्विटी शेयर्स तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है या फिर कोई दूसरी लिस्टेड सिक्योरिटीज है या कोई एनी काइंड ऑफ असेट है, तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा
आपका, बट उसमें भी आपको दो पार्ट में इसको चेक करना है। अगर लिस्टेड है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन का लोअर, और अगर अनलिस्टेड है या कोई और दूसरा असेट है तो उसका फ्लैट 20%। दिस इज द टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, जो भी आपकी 1,50,000 की होती है ना डिडक्शन, और एडिशनल 50,000 आपका वो भी होता है क्या कहते हैं एनपीएस में होता है। इसके अलावा और भी आपकी डिडक्शंस होती है, कुछ आपकी डिसेबिलिटी होती है, कुछ आपकी डोनेशन होती है, ये सारी डिडक्शंस वील डू लेटर। तो जो भी आपकी डिडक्शंस मिल रही हैं, दिस इज एंटायरली नॉट एप्लीकेबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो वो चार हेड जो आपके बचे हुए हैं, दैट इज सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ उन्हीं की टोटल इनकम में से यू कैन डिडक्ट दोस डिडक्शंस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप अलग ही रखोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन इज ओनली अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF। इसका क्या मतलब है? दिस इज बेसिकली अ कंसेप्ट of deficiency, and this is very very important from the examination point of view. It means that in case the assessee is resident individual ya fir resident Hindu undivided family, sirf in dono ke liye applicable hai ki agar baki long term capital gain ko chhod kar jo aapki baki char head income hai, for example normal aapka koi assessee hai individual hai resident individual and uski age 60 se kam hai, तो उसकी स्लैब्स क्या होती है, अप टू 2,50,000 इट इज एग्जेम्प्टेड, राइट। तो जो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है 2,50,000, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो दूसरी चार हेड की इनकम थी वो 2,10,000 ही बैठ रही है। ठीक है, 2,50,000 की एग्जेम्प्शन में मतलब उसे कम बैठ रही है, तो इस केस में इट इज अलाउड कि आप 40,000 कैपिटल गेन से शिफ्ट कर सकते हो, जिससे आपको पूरी 2.5 लाख की एग्जेम्प्शन मिल जाए। ठीक है, तो इस ये सिर्फ लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF के लिए, ना ही ये नॉन रेजिडेंट के लिए, ये कंपनी ये नॉन रेजिडेंट HUF के लिए है, फर्म्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी आपकी कैटेगरीज है। सो सिर्फ ये एग्जेम्पशन इन दोनों के लिए ही अवेलेबल। ठीक है, सो व्हेनेवर यू डू अ कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल अब आप 60 इयर्स की स्लैब पे जा रहे हो तो वहां पे 3 लाख तक यू गेट द एग्जेम्पशन। तो उसी केस में आप क्या देख लोगे, अगर एग्जेम्पशन से फॉल शॉर्ट पड़ रहा है तो आप कैपिटल गेन से अमाउंट थोड़ा शिफ्ट करके पूरी एग्जेम्पशन ले सकते हो। सो एग्जेम्पशन थिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड। रिबेट क्या होती है आपकी, आई थिंक इट इज नॉट अलाउड। रिबेट अंडर सेक्शन दिस आई हैव टू चेक, अभी रुक जाओ। आई थिंक लिखा हुआ है तो अलाउड ही लेके चलेंगे। ये आपकी बेसिक एग्जेम्पशंस पे होती है ना कि हाँ सॉरी सॉरी इट इज अलाउड अलाउड। 5 लाख तक आपकी 87A क्या होती है, 12,500 की आपको रिबेट मिलती है, राइट। सो दिस इज अलाउड फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज वेल। तो जब आप कैलकुलेट करोगे अपना टैक्स, लॉन्ग टर्म का अलग, उन चारों का अलग, जो आपका टोटल टैक्स पेएबल निकलेगा उसमें से यू कैन गेट अ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ योर 5 लाख। ठीक है, सो रिबेट इज अलाउड। ऊपर वाले में हमने सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स छोड़ा था, उसके अलावा हमने सबका टैक्स ट्रीटमेंट देख लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, दिस इज योर म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। सो उस केस में क्या है, योर टैक्स रेट इज 10% ओवर एंड अबव रुपीज 1 लाख। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इफ इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ योर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर वो फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख बन रहा है तो 1 लाख से ऊपर, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, 1 लाख बचा आपका, उस पर आप डायरेक्टली 10% टैक्स लगा दोगे, प्लस योर सरचार्ज प्लस योर हायर एजुकेशन सेस। सो दिस इज रिगार्डिंग टू द इक्विटी शेयर्स, दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अनलिस्टेड होंगे तो 20% लगेगा, लिस्टेड में 10% लगेगा ओवर एंड अबव। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अलाउड। इससे पहले में क्या था कि हम जब भी एसेट निकालते तो हम इंडेक्सेशन करते हैं, बट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट एट ऑल अलाउड। इट मींस व्हाटएवर द एक्चुअल कॉस्ट दैट एसेट इज देयर, वी विल जस्ट सबट्रैक्ट दैट एक्चुअल कॉस्ट। ओके, कैलकुलेशन अब अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल बट
exemption is available, but only to the resident individual resident HUF. Cost of acquisition of asset क्या है? हमेशा डेट चेक कर लेना भाई. अगर आपकी कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड बाय असेसी इज बिफोर 1 फरवरी 2018 देन इट शैल बी हायर ऑफ योर एक्चुअल कॉस्ट या फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू कंसिडरेशन का लोअर होगा उसका जो हायर जो भी पहले आप ये कैलकुलेट करोगे फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन का लोअर निकाला उसको कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट से और हायर वैल्यू विल बी योर कॉस्ट ऑफ असेट. और अगर उस असेसी ने बिफोर 1 अप्रैल 2001 लिया हुआ है देन इट विल बी एक्चुअल कॉस्ट वेदर इट इज परचेज्ड बाय द असेसी और इट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रीवियस ओनर. जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एंड दैट विल कंपेयर विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001. जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका हायर इट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट डन हो गया हमारा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का अलग ट्रीटमेंट है और उसके अलावा अलग ट्रीटमेंट है. नाउ कम्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सो दिस इज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. सो इसमें भी यही कंसेप्ट है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स छोड़कर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है व्हेन द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल. Security transaction tax क्या होता है? This is only in case of the listed security that whenever there is any transfer takes place, the assessee has to pay a tax to the Securities and Exchange Board of Nice stock exchanges में listed होते हैं, तो वहाँ पे उनको वो security transaction tax भी करना पड़ता है for any transaction. So इसका मतलब है कि अगर STT आपका all your securities are unlisted security. ठीक है, because it is not applicable. So in case your securities are not listed, as well as आपके दूसरे assets हैं, for example your land, building or gold ornaments or it could be anything, जो भी आपके हैं, अगर वो short term in nature हैं, तो उसमें कोई rate of tax नहीं है, rather it will be added in your gross total income और slab rate के accordingly it will be taxable. ठीक है, इसका कोई separate tax rate नहीं है, in fact जो भी आपकी स्लैब रेट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्सेबल होगा, मतलब वो ऐड हो जाएगा आपके ग्रॉस टोटल इनकम में, जिसमें आपकी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी अदर सोर्सेज और सैलरी भी होगा उसमें ऐड हो जाएगा. और उसके बाद जो आपकी स्लैब रेट्स के टैक्स है उसी के तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा कि 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपके 5% हो गया, फिर 5 लाख पे 10%, तो स्लैब के अकॉर्डिंगली होगा. अगर वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है तो नॉर्मल होगा, फिर सीनियर के अलग होते हैं, सुपर सीनियर के अलग होते हैं. सो जो भी उस इंडिविजुअल का पर्टिकुलर टैक्स स्लैब रेट होगा उसी के अकॉर्डिंगली इट विल बी टैक्सेबल. एंड द लास्ट वन इज फॉर द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एंड डेफिनेटली इन केस दे आर लिस्टेड डेफिनेटली द एसटीटी इज एप्लीकेबल. इन दैट केस इट इज चार्जेबल एट अ फ्लैट 15% टैक्स रेट. अगेन द डिडक्शंस आर नॉट अलाउड एंड एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर Resident, individual and Hindu undivided family. ठीक है, तो ये चारों के चारों बहुत important है that whenever you do a calculation for capital gain, you always have to see the nature as well as the capital asset which is involved. क्योंकि आपकी चार tax rates हैं. ठीक है, मैंने video में आपको दो questions करा और जो unit trust है, unit of a business trust, इसका period of holding 36 months से check करना है कि whether it is short term or long. ठीक है, सो दिस इज डन. तो मैं जल्दी आपको फिर से करा रही हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज़ आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो. सो दिस इज योर एग्जांपल. एक्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द असेसमेंट ईयर 2020 इनकम्स. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 8 लाख, सैलरी आफ्टर डिडक्शन है सो इट मीन्स इट इज नेट सैलरी 2 लाख, अदर सोर्सेज इज 30,000. So now you calculate the net income. So this is 8 plus 2, 10 lakhs plus 30,000. So it is 10,30,000. Okay. Now you have to see, you have to bifurcate your net income without including, first is your long-term capital gain and the other one is net income without including your long-term capital gain. So net income without including your long-term capital gain is 2,30,000, right?
सैलरी और अदर सोर्सेज आपके खाली 2,30,000 है. नाउ द पर्सन इज ऑफ 30 इयर्स ऑफ एज, इट मींस ही इज फॉलिंग इनटू अ स्लैब रेट ऑफ 2,50,000. नाउ सिंस योर नेट इनकम इज 2,30,000 और वो एग्जेम्पशन कितनी ले सकता है 2,50,000 की, तो इसका मतलब वो 20,000 शिफ्ट करा सकता है फ्रॉम हिज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 20,000 मैंने शिफ्ट करा दिया, सो अब लॉन्ग टर्म कैप और मैंने पूरी एग्जेम्पशन ले ली 2,50,000, ठीक है, सैलरी प्लस अदर सोर्सेज प्लस अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 2,50,000 मिला के मैंने उसकी एग्जेम्पशन ले ली और बचा कितना कैपिटल गेन में 8,00,000 माइनस 20,000, सो दिस इज 7,80,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया गया, ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन ओनली द एग्जेम्पशन एक्सप्लेन, अगर लिखा होता कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लैंड और बिल्डिंग से है तो इस केस में हम डायरेक्टली 20% फ्लैट टैक्स रेट पे इसको कर दे, ठीक है. इज इट क्लियर सो फार टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. बेटा कैपिटल गेन सेकंड में हो जाएगा बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास आई शेयर टुडे इन द लास्ट क्वेश्चन. अभी मैं कराती हूँ कौन सा क्वेश्चन कह रही हो फिर भी आई चेक, ठीक है. सो दिस इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है. Now we'll move to the next question. X 30 years and totally blind is a resident individual. ठीक है, totally blind है, इसका मतलब he'll fall into the disability category. ठीक है, अब जब हम deductions करेंगे ना, deductions में disability का एक अलग kind of deduction available होता है. So for the assessment year 2020-21, it has the following incomes. Okay, so long-term capital gain is 1,70,000. House property income is 2,57,000. Other sources income is 87,000. He is eligible for deduction of ₹10,000 under Section 80C on account of fee. Compute his tax liability. Take your time. एक बार ही ट्राई करके देखो कि यू हैव टू फर्स्ट बाइफोकेट इट, ठीक है. बाइफोकेट करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग रख के आपको देखना है कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आपको एग्जेम्पशन लिमिट आप फॉल शॉर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जस्ट चेक इट. एक चीज मैं बता देती हूँ बस इस क्वेश्चन में क्योंकि वो मैंने कराया नहीं आपको. एक आपका डिडक्शन होता है ATT, विच इज फॉर द डिसेबल पर्सन. In case your assessee is disabled, he will get additional deduction of ₹1,25,000 under Section 80C. So, जब आप GTI में से माइनस करोगे डिडक्शन तो 80C में 10,000 तो मिलेगी क्योंकि आपकी PPF है, उसके अलावा 1,25,000 की और मिलेगी अंडर डिडक्शन योर 80TT, ठीक है. सो जब कैलकुलेट करोगे अपना नेट इनकम तो 10,000 प्लस 1,25,000 को सब्ट्रैक्ट करना. एक बार ट्राई करो इसको प्लीज, देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है आपका एग्जेम्पशन. मैम एक बार वो डिसेबिलिटी वाला जो एग्जेम्पशन है वो वाला वापस बता दो एक बारी. बेटा जो डिसेबिलिटी वाला, एक सेकंड, जो डिसेबिलिटी वाला है वो आपका 80TT में आता है. आपके ना मैंने अभी डिडक्शंस कराए नहीं, आपके डिडक्शंस है 80C to 80U और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल है. हमने सैलरी में सिर्फ 80C वाला सीखा था, राइट, 80C, CC, CCD ये सब सीखे थे बस.
तो इस क्वेश्चन में मैं बस ये कह रही हूँ कि इसमें एक एडिशनल डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को बिकॉज ही इज ब्लाइंड, ठीक है. सो ब्लाइंड आपकी डिसेबिलिटी के अंदर आती है, तो उसके अंडर अगर कोई भी एसएससी है तो उसको एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है. उसका सेक्शन है 80TT, ठीक है. उसके अंदर 125,000 की उसको डिडक्शन मिलती है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, ही विल गेट दिस डिडक्शन. तो आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप 80C से 80U में डिडक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे इस इंडिविजुअल की, तो एक 125,000 की एडिशनल डिडक्शन दे देना 80TT. अभी आप सॉल्व करोगे ना इसको, फर्स्ट यू हैव टू बाइफोकेट हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को अलग ऐड करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग रखो, फिर हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को ऐड करने के बाद उसमें से डिडक्शंस दोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी ही नहीं डिडक्शन. सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज में से डिडक्शन सब्ट्रैक्ट होगी 80C टू 80U के अंडर. जब उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जब आपको देखना है कि वेदर द पर्सन इज मीटिंग हिज एग्जेम्पशन लिमिट और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट देन हाउ मच ही कैन शिफ्ट फ्रॉम हिज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है. ये चेक करना है आपको अभी. ₹41,000 shifted from long term capital gain. किसी और का भी आंसर आ रहा है? विदाउट इंक्लूडिंग योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इट इज 3,44,000, राइट. नाउ वील सब्ट्रैक्ट द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U. सो दिस इज, सॉरी इट इज नॉट TT, इट इज DD. अपलिटी वाली DD है बेटा, ठीक है. जब ये रिवाइज करेंगे तब करेंगे, बिकॉज मुझे भी अभी डिडक्शंस इतने अच्छे से आती नहीं है. सो इट इज डबल डी. So this is 1,000. So 1,35,000 subtract hogi. Now it is 2,09,000. Now the person is 30 years of age. So iski normal individual wali, normal age wali, aapki slab rate lagegi. That is 2,50,000. Now he is falling short of how much? 41,000. So 41,000 he can get from the long term capital gain. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 41,000 लेकर उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई है? निल, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट एग्जेम्पशन क्या है आपकी, 2,50,000 तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी इज निल. तो जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम मिला के डिडक्शन सब्ट्रैक्ट करके जो 2,09,000 मिली, उसमें से 41,000 हमने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शिफ्ट करा लिया, क्योंकि हमारी एग्जेम्पशन लिमिट पूरी नहीं हो रही थी. एंड दिस पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल. So resident individual और resident HUF के केस में exemption is allowed. तो हमने 41,000 shift करा दिया, तो हमारा 2,50,000 पे nil हो गई. अब आती है long term capital gain. So long term capital gain पे बचा कितना? 1,70,000 minus 41,000. So ये जब हमने minus किया तो आ गया हमारा 1,29,000. अब इसमें स्पेसिफिकली नथिंग इज गिवन अबाउट द नेचर ऑफ द कैपिटल, अबाउट द कैपिटल असेट विच इज इन्वॉल्व, ठीक है. नेचर तो दे दिया है कि इट इज लॉन्ग टर्म, बट असेट नहीं बताया. तो अगर कोई भी ऐसे असेट नहीं बताते तो हमेशा फ्लैट 20% पे दे देना. सो फ्लैट 20% पे आपने किया, इट इज 25,800, ठीक है. दिस इज योर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी हुई? 25,800. Now you will add up your gross net income
of all the three heads and it is falling short of your 5 lakh. 5 lakh तक जिसकी इनकम पांचों हेड में मिला के अगर कम होती है तो आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A. और वो रिबेट कितनी मिलती है टैक्स लाइबिलिटी पे? 12,500. ठीक है, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दी. सब्ट्रैक्ट करके बाद आपका कितना आंसर आया? 25,800 13,300. आपकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद टैक्स लाइबिलिटी आ गई, टैक्स जो आपको पे करना है, प्लस उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लोगे और उसके बाद आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा. ये आपको इसीलिए मिली है क्योंकि उसकी सारी हेड से मिला के जो नेट इनकम बैटरी थी वो 5 लाख से कम थी. जैसे आपकी इसमें अगर आप देखोगे तो 2,09,000 है, राइट, प्लस 1,70,000 आपकी कैपिटल गेन, 3,79,000. इस वजह से रिबेट उसको मिलेगी 12,500. क्लियर है? आंचल आपने पूछा था ना मेरे से? मैम ये रिबेट हमेशा 12,500 ही होगी, अगर मतलब सैलरीज का चैप्टर है तो भी यही होगी या फिर कुछ परसेंट? नहीं नहीं, 12,500 ही आपकी कैलकुलेट होती है 5 लाख तक पे. अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 2.5 लाख पे तो निल होती है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपकी 5% होती है ना, तो बैठती इतनी है 12,500. मतलब 2,50,000 से 5 लाख पे जो टैक्स लगेगा उसमें से ये रिबेट हो जाएगी? हाँ. ओके मैम. क्लियर है सबको अभी? अब हमने इसको टैक्स पेबल को हमने राउंड ऑफ कर लिया. हमेशा क्वेश्चन में राउंड ऑफ करके आना टैक्स को. मैम इस पे 5% क्यों नहीं लगी? क्या क्यों नहीं लगा? 20% की जगह 5% क्यों नहीं लगी? यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह रहे हो? यस मैम. बेटा 20% ही तो है आपका. आप अगर ऊपर देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो पार्ट है ना, एक तो है आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का, एक है विदाउट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. सो विदाउट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में भी दो पार्ट में डिवाइडेड है कि अगर लिस्टेड होगा तो इंडेक्सेशन विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन है, और अगर नहीं है तो फ्लैट 20% है. अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन, इट इज जस्ट गिवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. व्हेन नथिंग इज मेंशनड यू हैव टू गिव अ टैक्स एट फ्लैट 20% रेट. ठीक है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कि ये इक्विटी शेयर से है या फिर ये लैंड से है या बिल्डिंग से है या किसी से भी है, हमेशा 20% पे लगाना है. ठीक है, तो 20% ऑफ दिस. अब मैंने इसमें अलग से हायर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसलिए नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि उसके बाद हम क्लब करके ही निकाल रहे हैं या हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं तो आप चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो. ठीक है, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग रख लिया, बाकी को अलग रख लिया, उसके बाद शिफ्ट करा के दोनों में हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ऐड कर लिया, फिर दोनों को क्लब कर लिया, और उसमें से उससे पहले इनफैक्ट आपको रिबेट देनी पड़ेगी. तो इस केस में आपका इसमें तो कोई है ही नहीं एग्जेम्पशन, खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही था आपका 25,800. इसमें से आपने रिबेट दे दी उसको, जो भी बचा उसमें आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दिया. यही आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है विच दी असेसी हैज टू पे नाउ. ठीक है, तो उसको इन शॉर्ट 13,830 पे करने पड़ेंगे अब गवर्नमेंट. अरे सबको, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स 81 इयर्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 ही हैज द फॉलोइंग इनकम्स. सो दिस इज हिज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. This is short-term capital gain on the sale of equity shares on which STT has been paid. So this is 0. That is 10,000. Salary है उसकी 4,86,000. Interest on fixed deposits with banks है 99,000. Then he pays ₹5,000. मैं एक बार स्क्रीन शेयर छोटी कर लेती हूँ so that. दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन?
He pays rupees 5,000 as life insurance premium and deposits rupees 20,000 as PPF. Compute his tax liability. So, जो आपका ex individual है, he is super senior. ठीक है, 81 years का है वो. So, इसका मतलब उसकी exemption कितनी है? 5 lakh. Right? अगर आप super senior के slab rates को revise करोगे, so up till 5 lakh it is exempted, it is nil. फिर 5 to 10 पे 20% है एंड मोर देन 10 पे 30% है, बाकी सब सेम है, बट एग्जेम्पशन पूरी 5 लाख की है. उसकी क्या क्या इनकम है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसका 1,10,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई भी नेचर नहीं गिवन, तो हम लोग फ्लैट 20% पे इसको टैक्स कर देंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड. तो ये आपको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो हमारा टैक्स रेट इज फ्लैट 15%, तो इसको हम 15% पे कर देंगे. सैलरी गिवन है आपका, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स ये 99,000 है आपके, और इनमें ये आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है. बट एक और इस क्वेश्चन में डिडक्शन है जो आपके सुपर सीनियर्स को मिलती है, एडिशनल डिडक्शन होती है जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में, जो भी इंटरेस्ट रेट आता है, वेदर इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट और ड्यू टू हिज सेविंग अकाउंट, रीअकरिंग डिपॉजिट, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट विच ही हैज मेड इनटू द बैंक, अगर उससे कोई भी इंटरेस्ट उसको मिलता है तो उसको एक एडिशनल इसमें डिडक्शन मिलती है 80TT, विच इज ऑफ 50,000 रुपीज. जो मैं 80TT बोल रही थी वो इसमें लाई करती है. एक बारी मैं देख भी लेती हूँ ऑन अ सेफर साइड. TT, ओके, TT है. सो अ सीनियर सिटीजन शैल बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TT अप टू रुपीज 50,000 फॉर एनी डिपॉजिट इन अ बैंक, चाहे कोई भी डिपॉजिट हो वो. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम विदाउट इंक्लूडिंग योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. कितना है वो? 4,86,000. 4,86,000 plus 99,000. Your long term and short term capital gain. एक मिनट बल. So, हमने विदाउट इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 5,85,000 आ गया. नाउ वी हैव टू गिव द डिडक्शंस. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अभी हमने सेपरेट रखा हुआ है. इसके बाद हमारी डिडक्शंस क्या है? 80C के अंडर उसको मिल रही है 5,000 की प्लस 22,000 की, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट करी है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में और पीपीएफ में, तो ये दोनों की इसे डिडक्शन मिल जाएगी. प्लस उसे एडिशन मिलेगी क्योंकि उसने डिपॉजिट बना किया हुआ है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, और उससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है 99,000. बट मैक्सिमम हम 50,000 की ही डिडक्शन दे सकते हैं. अगर ये कम होता 50,000 से तो हम कम की दे देते, मैक्सिमम 50 है. ठीक है, सो टोटल हमारी होगी 77,000. नाउ 5,85,000 में से 77,000 माइनस किए 5,08,000. So, ये हमारी टोटल इनकम आ गई विदाउट इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब इस पे हम नॉर्मली टैक्स निकालेंगे. नाउ ही इज अ सुपर सीनियर सिटीजन, तो अप टिल 5 लाख इट इज एग्जेम्प्टेड. नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख का स्लैब रेट है 20%. सो 5,08,000 में से 5 लाख सब्ट्रैक्ट किया तो बस 8,000 रुपीज बचे एडिशनल, जिसपे उसको 20% टैक्स पे करना है. ठीक है, ये उसका स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली है. सो 20% इनटू 8,000 इज योर 1,600. सो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर जो आपके हेड्स थे उस पर हमने टैक्स निकाल दिया. अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन.
अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 1,10,000, उस पे हमने डायरेक्टली 20% लगा दी कि हमें सेट बताया ही नहीं था कि कौन सा है, तो हमने फ्लैट 20% लगाया, दिस हैज कम आउट टू बी 22,000। दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, वो बताया है कि इट इज अ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिस पे एसटीटी पे है, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का फ्लैट है 15%, तो उसका 15% पे लगा दिया, आपका 10,000 था गेन, राइट आपका 10,000 था, तो 10,000 पे हमने 15% लगा दिया। नाउ वी हैव एडेड ऑल दीज थ्री 25,100 रिबेट, उसको नहीं बिकॉज हिज 5 लाख तक पे ही रिबेट मिलती है एंड हिज इनकम इज मोर देन 5 लाख, सो ही विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अ रिबेट, डायरेक्टली 25,100 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, सो दिस इज 1,004, इसको और इसको आप ऐड कर लोगे, सो 25,100 प्लस 1,004 इज 26,104, नाउ यू कैन राउंड इट ऑफ, सो इट विल बी 26,100। क्लियर है ये सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम इस पे सरचार्ज भी नहीं हुआ? बेटा सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर लगता है, इसकी इनकम तो बहुत कम है, सरचार्ज रिवाइज करो कब लगता है, व्हेन द पर्सन्स इनकम इज मोर देन 50 लाख ऑफ रुपीस। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, रिबेट एज पर इनकम टैक्स इज ओनली अवेलेबल फॉर द इनकम टिल 5 लाख, उसके बाद चाहे सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर हो कोई भी हो, उसके बाद इट इज टैक्सेबल। ठीक है, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, लिस्टेड शेयर्स परचेज्ड ऑन 31st August 2002 फॉर रुपीज 40,000, सोल्ड फॉर रुपीज 4 लाख एंड ऑन on 1st November 2019 through a recognized stock exchange FME as on 31st January 2018 for rupees 2,70,000. His gross salary for the previous year ending 31st March 2020 was rupees 5,10,000. So, ye iske shares hain. Now, the shares has not been explicitly explained that whether it is equity share or it is preference share. ठीक है, अब हमें सिक्योरिटीज का तो पता है कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज होंगे तो हमारे पास 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर ये इक्विटी शेयर्स हैं लिस्टेड तो हमारा डायरेक्टली क्या होता है 10% ऑफ टैक्स ओवर एंड अबव 1 लाख, राइट, और इसमें लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो एज पर माई सजेशन इन दिस केस यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एन अजम्पशन कि आप शेयर को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वेदर यू आर ट्रीटिंग दिस एज एन इक्विटी शेयर और वेदर यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ प्रेफरेंस शेयर, और दोनों के केस में ट्रीटमेंट आपका बदल जाएगा। ठीक है, सो इस केस में कैलकुलेट, वी आर अज्यूमिंग दिस एज टू बी द प्रेफरेंस शेयर्स, तो सबसे पहला है आपका ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दिया है। ठीक है, सो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल, सॉरी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितना होता है 50,000, सो हमेशा क्वेश्चन में देखना कि क्या गिवन है, ग्रॉस सैलरी गिवन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे गिवन थी, सैलरी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें ग्रॉस सैलरी है, इट मीन्स इट इज बिफोर प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड किया, 4,60,000 is your net taxable salary. Now comes the long-term capital gain, and this is from shares which are sold on stock exchange. It means it is listed shares. So sale consideration hai aapki 4 lakh minus is wale question from this equity shares. Okay,
बट आप इसको प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज आई हैव चेक्ड सो मेनी क्वेश्चंस इन विच शेयर्स को किसी ने प्रेफरेंस शेयर्स की तरह ट्रीट किया हुआ है, किसी में शेयर्स को इक्विटी शेयर. इस क्वेश्चन को जो मैंने बुक से उठाया उसमें इसको एज एन इक्विटी शेयर ट्रीट किया है. तो जब भी कभी स्पेसिफिकली नेचर इज नॉट मेंशन तो हमेशा अज्यूम कर लेना. सो सिंस इट इज इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स वाले केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. तो नॉट अवेलेबल, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या रूल था, पहला तो एक्चुअल कॉस्ट, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 40,000. उसके बाद आपको लेना है लोअर ऑफ योर फेयर मार्केट वैल्यू. सो फेयर मार्केट वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी है, एज ऑन 31st January 2018 इट इज 2,70,000. सो फेयर मार्केट वैल्यू इज 2,70,000 और उसकी सेल वैल्यू कितनी है 4,00,000. सो इन दोनों का आपको, उस माइक इज ओपन. ठीक है, सो इस केस में द लोअर ऑफ 2,70,000 एंड 4,00,000 इज 2,70,000. फिर उसको यू हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड यू हैव टू टेक द हायर ऑफ दैट. सो इन दिस केस 2,70,000 इज द हायर वन. सो दिस इज अलाउड एज टू बी रिड्यूस्ड अंडर योर सेल कंसिडरेशन. समझ में आ गया सबको कैसे निकाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इस वाले को हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स है. आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स भी अज्यूम कर सकते हो. ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू कंसिडरेशन का हायर लोअर अमाउंट ले लो. सो 2,70,000 एंड 4,00,000 का लोअर है 2,70,000. जो भी उसका अमाउंट आएगा उसको आपको कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट से, उसका हायर लेना है. अब 2,70,000 40,000 में से हायर इज 2,70,000, आपने 2,70,000 ले लिया. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1,30,000 आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कहता है 10% ओवर 1,00,000. सो ओवर 1,00,000 इज 30,000 ओनली, राइट. 1,00,000 तक की आपको एग्जेम्पशन मिलती है. सो 30,000 इंटू 10% इज 3,000. सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आपने निकाल लिया. अब बाकी बचा हुआ आपका सैलरी का कितना था, 4,60,000. अब 4,60,000 कैसे कैलकुलेट करोगे, एज पर योर स्लैब रेट. ठीक है, इंडिविजुअल की क्या एज है गिवन नहीं है तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे. सो नॉर्मल के कंसिडरेशन में 2,50,000 इज एग्जेम्प्टेड. फिर बचा कितना, 4,60,000 माइनस 2,50,000. दिस इज 2,10,000 इंटू 5%. सो दिस इज 10,500. सो 10,500 उसका रिमेनिंग टैक्स हो गया. इन दोनों को यू नाउ यू विल ऐड देम अप. व्हेन यू ऐड देम अप यू विल गेट द टोटल ऑफ 13,500. Rebate is not available because his income is greater than 5,00,000. So when it is 13,500, you will simply add the 4% health and education says 540 and you then add them up. Theek hai, clear to everyone? Kisi ko koi doubt hai is question mein? अब अपनी बुक्स में से कैपिटल गेन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज प्रैक्टिस, बट द कंसेप्ट विल रिमेन द सेम. एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज आई हैव नॉट रिटन इन द नोट्स, बट मैं लिखने के बाद आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट नोट्स. वो होता है रिगार्डिंग टू योर लॉसेस. व्हाट इफ यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑन कैपिटल गेन्स. ठीक है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, अगर उसमें कैलकुलेशन के टाइम पे आपको ये दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में लॉस हो रहा है. ठीक है, सो उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, अभी हम एक यूनिट करेंगे रिगार्डिंग टू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ठीक है, उसमें आई विल डिस्कस दिस पार्ट अगेन. अभी नहीं, बाद में. उसमें क्या है, आपका सेट ऑफ में
जो आपके लॉसेस होते हैं वो आप अगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो वो आप लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल आपने लैंड को बेचा और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल हो गया उसमें 2 लाख रुपीज, और कुछ आपने फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड बेचा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000. तो ये 50,000 आप उस 2 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और जो भी आपका नेट बचेगा डेट इज 1,50,000, उसका वो आप टैक्स ट्रीटमेंट करोगे जिसमें आपको गेन था. लॉस वाले का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो सेट ऑफ हो जाएगा, वैसे उसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा. और जो आपका अगर शॉर्ट टर्म होता है अगर कोई लॉस, जो दैट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन एज वेल एज फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो दोनों में से सेट ऑफ हो जाता है. बट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है. सो ऐसे ही जब आप क्वेश्चंस करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा. बट हम दोबारा से जब यूनिट करेंगे एक बार सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो ये कंसेप्ट फिर से. सिमिलरली इन केस ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ही नहीं, खाली लॉस था, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और आप कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और अदर हेड इनकम से नहीं हो सकता, ठीक है. सो उस केस में आपका इनकम टैक्स कहता है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 असेसमेंट ईयर्स तक इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर द लॉस वॉज फॉर, ठीक है. सो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जब तक आपको कोई गेन में नहीं आएगा जिससे आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे तब तक यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड अप टिल 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वॉज कंप्यूटेड. सो दिस आई विल डेफिनेटली राइट इन योर नोट्स, बट बुक में यू विल फाइंड फ्यू क्वेश्चंस जिसमें लॉस भी है और लॉस उसने उसी से ही सेट ऑफ कर दी गेन से, ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो लॉस आ रहा था वो 15% टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली आ रहा था, और जो आपका गेन था फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 20% टैक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली आ रहा था. तो जो आपने 15% का लॉस था वो आप बस लॉस माइनस कर दोगे, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट आपका 20% का ही चलेगा, जो आपको एक्चुअल में जिस पे गेन हो रहा है उसी का ही, ठीक है. फिर आप जिसका हटा रहे हो लॉस हटा रहे हो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट अब रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आपने बस लॉस को सेट ऑफ कर दिया, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज योर सेल्फ जनरेटेड असेट्स. इट हैज नो सेक्शन इन योर एक्ट, बट बहुत इजी है ये. इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स द असेसी ड्यू टू हिज लेबर और ड्यू टू हिज टेक्निकल स्किल्स और एनीथिंग ही एक्वायर्स एनी असेट विच इज हैविंग नो कॉस्ट टू हिम. फॉर एग्जाम्पल योर गुडविल, राइट. जैसे हम लोग बहुत मेहनत से कोई बिजनेस अगर हम खड़ा करते हैं और हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाती है एंड वी हैव अ गुड गुडविल, वो हमने खरीदी नहीं है, वो हमने खुद बनाई है ड्यू टू आर हार्डवर्क और ड्यू टू आर स्किल्स और वट एवर द केस मे बी. सो दीज आर कॉल्ड योर सेल्फ जनरेटेड असेट्स. एन असेट विच डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू द असेसी इन टर्म्स ऑफ मनी इन इट्स क्रिएशन एज वेल एज एक्विजिशन, इट इज सेल्फ जनरेटेड, ओके. And whenever the self-generated asset is transferred, the following special rules will be applicable. Kya rules hai? First is self-generated goodwill of a business, right to manufacture, produce an article, thing, or right to carry on business or profession. So this is your self-generated assets. Agar koi bhi aapke paas right hai ya fir goodwill hai, us case mein, if in case you are transferring any of these assets, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल ऑलवेज बी टेकन एज निल, क्योंकि एक्चुअल में आपकी कोई कॉस्ट लगी नहीं है इसके ऊपर. ऑल्दो द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आर अलाउड टू बी रिड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. सो एज पर द फॉर्मेट ऑफ योर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स यू कैलकुलेट लाइक दिस. सेल कंसिडरेशन माइनस सेल्स एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू योर कैपिटल गेन. तो अगर आपका कोई भी ये टाइप ऑफ असेट है सेल्फ जनरेटेड, उस केस में इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन दोनों के दोनों आप निल रखोगे. एक्सपेंसेस आप सेल कंसिडरेशन में से बस सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके अलावा जितना भी होगा एंटायर विल बी योर कैपिटल गेन.
इन केस आपका सेल्फ जनरेटेड असेट इज टेनेंसी राइट रूट परमिट लूम आर्स ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस अगर ये टाइप है इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल रहेगी बट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी डिडक्टेड याद रखना कि अगर टेनेंसी राइट्स या रूट परमिट या इन टाइप के कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस भी अलाउ होंगे बस एक्विजिशन इज टेकन एज निल एनी अदर सेल्फ जनरेटेड असेट मीन्स इन दोनों कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट है उस केस में कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एट ऑल इनके अलावा अगर कोई भी असेट है तो उसके केस में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट ही नहीं होगा सो सिर्फ यही टाइप्स हैं जिनके केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है और उसमें भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रखी जाती है दोनों केस में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सिर्फ इस वाले सेकेंड वाले केस में अलाउड होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इसका मतलब अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर है तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट थी वही कॉस्ट यू विल सब्ट्रैक्ट ठीक है समटाइम्स यू फाइंड दिस हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट्स करे थे काफियों में होता है कि कॉस्ट जो थी उसकी और जो 1 अप्रैल 2001 को थी व्हाटएवर द हायर वैल्यू विल टेक दिस एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बट दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट सो इन शॉर्ट इफ आई से दैट In case your asset is self-generated asset, then the cost will always be taken as nil. But if the asset is purchased, that too after 1st April 2001. Yeh nahi hai, beta, this is wrong. Agar purchased hai, toh cost of acquisition lagegi. But agar aapka 1st April 2001 se pehle ka hai, toh fair market value wala option nahi milega. Yeh wala cheez main delete kar dungi abhi. This is wrong. ठीक है सो इन शॉर्ट अगर कोई एसेट आपने परचेज किया है तो आप जो भी उसका एक्विजिशन कॉस्ट है वो आप अगर आपने परचेज नहीं किया तो निल रखोगे अगर परचेज किया है तो जो प्राइस पे किया सो दिस इज रिगार्डिंग टू योर सेल्फ जनरेटेड एसेट रिगार्डिंग टू योर बीकॉम ऑनर्स एग्जाम वट एवर द थिंग्स विच आर देयर इन सिलेबस विच फॉर दिस द स्पेसिफिक एम्फेसिस हैज बीन लेड डाउन आई हैव कंप्लीटेड देम एंटायरली But there are few still sections which are left and it is open to you all that you can do it. But examination point of view से मैंने सारा syllabus आपका करा दिया capital gains का और इसमें कुछ भी नहीं बचता है ठीक है But there are still so many sections in your book which you can definitely take a read of. But as per your syllabus I have completed जो भी आपका BCom honors का था ठीक है किसी को कोई doubt है तो पूछ लेना बेटा मैंने वो 20 पेपर्स ही चेक करे थे जो मैंने बताए थे ना आपको उसके अलावा मैंने अभी चेक नहीं करे हैं